हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम जेनप्लॉक्स यूटीआई टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, जैसे ये टैबलेट कैसे यूज करें, इस टैबलेट का डोज कितना लें, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ये टैबलेट कब तक यूज़ करना सही है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 186 रुपये में मिल जाएंगे। जेनप्लॉक्स यूटीआई टैबलेट में फ्लुऑक्सेट एससीएल आईपी 200 एमजी और ऑफ्लॉक्सासिन आईपी 200 एमजी ये कंटेंट है। इसमें ऑफ्लॉक्सासिन यह एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो उन बैक्टीरिया को किल करता है जो इन्फेक्शन का कारण बनते हैं और उन्हें दोबारा तैयार होने से भी रोकता है। फ्लुऑक्सेट यह ड्रग मूत्राशय की मांसपेशियों को आराम पहुंचाने का काम करता है और बार बार होने वाले अनियंत्रित मूत्र त्याग को रोकता है। आइए जानते हैं ये टैबलेट और किन किन समस्याओं में यूज़ होती है। इसे मूत्र मार्ग के संक्रमण यानी जिसे हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं, पेशाब करने में तकलीफ होना, बार बार पेशाब आने की समस्या में योनिका इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, आँख और कान का इन्फेक्शन, श्वसन प्रणाली में इन्फेक्शन, इन सभी समस्याओं में आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोज अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ लें। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें और डॉक्टर की निगरानी में लें। साइड इफ़ेक्ट, इससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पर ये साइड इफ़ेक्ट आपको हमेशा महसूस नहीं होंगे क्योंकि प्रत्येक दवा प्रत्येक व्यक्ति पर अलग अलग असर करती है। यदि आपको इस वीडियो में बताया गया साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके इस्तेमाल से आपको घबराहट, मितली, सिर दर्द, बदन दर्द, दृष्टि में धुंधलापन आना, उल्टी, दस्त ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन ऑफ जेनप्लॉक्स यूटीआई टैबलेट, ड्रग इंट्रैक्शन से इस टैबलेट के साइड इफेक्ट बढ़ भी सकते हैं या फिर इसका प्रभाव भी कम हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। इसे एंटी साइकोटिक ड्रग के साथ एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरोफेनामाइड, अल्प्राजोलम इन ड्रगों के साथ यूज़ नहीं करना है। इन ड्रगों के साथ इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन होता है। प्रिकॉशन, इसे यूज़ करते समय सावधानियाँ, ये टैबलेट छोटे बच्चों को ना दें। अगर आपको इस टैबलेट में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी हो तो आप इस टैबलेट का यूज़ ना करें और इसकी सूचना डॉक्टर को ज़रूर दें। स्तनपान करने वाली महिलाएं और गर्भवती महिलाएं ये टैबलेट यूज़ करने से पहले अपने गायनोकोलॉजिस्ट या डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आप पहले से भी कोई विटामिन की गोली या कोई अन्य गोली ले रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को ज़रूर दें। अगर आप अति संवेदनशीलता से पीड़ित है तो ये टैबलेट यूज़ ना करें। अल्कोहल के साथ इस टैबलेट का यूज़ ना करें, इससे आपकी स्थिति बदल सकती है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में से कोई हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।